प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक और हमारे जिज्ञासु और विद्वान जो दर्शक हैं, उनकी पाती जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मिली है। अब चिट्ठी पत्री का सबसे ताकतवर माध्यम व्हाट्सएप ही रह गया है, से मतलब ये मत समझिए कि इसके अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये तुरंत संदेशों का आदान प्रदान करता है तो यही एक महत्वपूर्ण माध्यम तो आप कह ही सकते हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि ये और इनके पति दोनों क्लास वन अधिकारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, और इनके पुत्र जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो भी बहुत रुचि से इस कार्यक्रम को देखते हैं। और बड़ी इन्होंने सुंदर बात साझा की है कि संध्या के वक्त डिनर करते समय हम तीनों यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को अपनी डाइनिंग टेबल के सामने लगे टेलीविज़न पर देखते हैं और बहुत शांति से भोजन करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा भी अनुभव करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको सारिका शुक्ला जी, जिन्होंने हमें ये भेजा है संदेश। और इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है जिसका प्रभाव मैं अपने ऊपर भी देखता हूँ। हम लोग जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, ख़ासतौर से वो लोग और अधिक जो सामाजिक जीवन में या गवर्नमेंट जॉब में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी वो प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन इस आपाधापी में, जहाँ क्योंकि मेरी पत्नी भी वर्किंग है और मैं महसूस करता हूँ कि सप्ताह कब उड़ जाता है, और जब वो शाम को घर पहुँचती हैं तो मैं अपनी प्राइम टाइम व्यस्तता में उलझा रहता हूँ, जब वो सुबह जल्दी निकलती हैं उस समय मैं टेलीफोन और दिन को तय करने की व्यस्तता में रहता हूँ, और ये लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ये चुनौती है जहाँ पति और पत्नी दोनों काम करते हैं। चुनौती सबसे बड़ी क्या है जिसकी तरफ इशारा इन्होंने किया है कि हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं ये सब करते हुए, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं कि मेरे कुछ मित्र जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और मेरे कुछ सीनियर्स, वो मुझे घमंडी समझने लगे। कारण सिर्फ एक है कि मैं सोचता ज़रूर हूँ कि नए साल पर इस बार उन्हें फ़ोन सबसे पहले लगाऊंगा, लेकिन क्या वजह होती है कि क्या जो आपका प्रिय पात्र होता है आप थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्या उसको, कि अरे ये क्या नाराज़ होंगे, पहले तो जो औपचारिक वाले नंबर हैं वहाँ संदेशों का आदान प्रदान हो जाए, नहीं तो वहाँ लोकाचार ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप किसी मित्र को जिसने कहा है कि मैं इंदौर से भोपाल आ रहा हूँ, जबलपुर से भोपाल आ रहा हूँ, दिल्ली से भोपाल आ रहा हूँ, मुझे मिलोगे क्या, हमारी प्राथमिकता में रहता है मिल लेंगे, नहीं मिल पाते। फिर जो वीकेंड में छुट्टी आती है उस छुट्टी में ये शरीर कहता है कि पगले अब आराम कर ले, कहाँ भटकेगा, किसके यहाँ जाएगा, और जाएगा भी तो ये थकान लेके जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा चेयरफुल होकर जाना। या फिर कई बार कुछ अपेक्षाएं आ जाती हैं बच्चे के, बेटे की तरफ से भी या पत्नी की तरफ से भी, कि ये ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, ख़त्म होने वाली है सामग्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो पीछे छूट रहा है वो सबसे ज़रूरी है। तो क्या हमने यही सीखा है कि जिस चीज़ से हमें प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, वहीं पूरा फोकस होना चाहिए, और वो चीज़ें जो हमें यहाँ तक पहुँचाती हैं, हमारे घर वाले, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी साथी, हम धीरे धीरे उनके यहाँ जाना, मौसी जी, मौसा जी, मामा मामी, इनके यहाँ जाने का क्रम कब छूटता जाता है, कब छूटता जाता है, नाना नानी पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे सब तरफ समाज में ऐसी बात जाने लगती है कि वो लोग तो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, क्या समझते हैं ये हमारा दिल जानता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, और विषय आपके सामने है।
आज आपके विषय प्रवर्तन को सुनकर मुझे एक नया सहसंबंध ध्यान हो रहा था जी। मुझे लग रहा था कि मन और समय का बड़ा गहरा संबंध है। बिल्कुल ठीक बात। गहरा संबंध होने के बाद दोनों में तालमेल हो जाना, ये भी किसी भाग्य सौभाग्य की विषय वस्तु की तरह है। जब समय मिलता है तब मन नहीं होता, जब मन होता है तब समय नहीं मिलता। आप समझिए, एक व्यक्ति जो है घर से निकलने लगा तो गृहिणी ने आवाज़ दी, महतारी भी बोली कि बेटा कुछ खा के जाओ, भोजन करके जाओ, भोजन का समय है। उसने कहा अभी समय नहीं है माँ, मैं फिर भोजन कर लूँगा। दिन भर की दिनचर्या उसकी व्यतीत होते रही, फिर उसे भोजन करने का समय नहीं मिला। अब देखिए, फिर भोजन करने का समय नहीं मिला। आराम से बैठे हुए वातानुकूलित कार में उसने इधर उधर नज़र डाली तो कहीं घर में बच्चों के रखे हुए चने थे, तो वो चना खाने लगा। चालक बड़ा प्रसन्न हुआ, साहब बड़े शौकीन हैं, देखो कितने सहज हैं, चना खा रहे हैं। जबकि उस चने से चालक अपनी भूख मिटाता था। उन्हें लगा साहब शौक से खा रहे हैं, लेकिन साहब को समय मिला है तो भोजन नहीं है, भोजन है तो समय नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि सामने थाली रखी हो लेकिन खाने का मन नहीं है, समय भी है, थाली भी है, मन नहीं है। समय के कालचक्र की बड़ी प्रतिकूलता और अनुकूलता देख करके समय को अमूल्य घोषित किया गया है। अमूल्य इसलिए घोषित किया गया है कि इसके आप समझिए कोई किसी व्यक्ति के जीवन का अनंत तनाव आप खत्म कर दें कि चलो चुटकी में तुम्हारे तनाव में खत्म करता हूँ, तो वो कितना मूल्य आपको देगा? वो सोचेगा इतना बड़ा तनाव आप खत्म कर रहे हैं। तनाव समय का भाव और अभाव है और कुछ नहीं। बहुत बहुत सुंदर सूत्र है। तनाव समय का भाव है, और समय का अभाव है। ये तनाव को उत्पन्न करता है। भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं तनाव में हूँ। अब आप देखिए इसमें, यहाँ पर भाव प्रमोशन का है लेकिन अभाव समय का है कि समय पर प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये भाव भी है, अभाव भी है। इसलिए समय हमारे स्वभाव को सर्वाधिक प्रभावित करता है, और हमारा स्वभाव समय मन आत्मा चित्त बुद्धि योग दुनिया की सारी भौतिकता समय से जुड़ी हुई है। वाह। एक घड़ी सुधारने वाला जब अंतिम घड़ी गिन रहा था तब भी घड़ी चल रही थी। समय हमारे ना रहने पर चलता है, इसलिए समय मूल्यवान है। हम रहें या ना रहें, समय के चलने से इसका कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न होता। लेकिन हमारे जीवन में जैसे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, इस पर हमने अलग अलग प्रकार के चिंतन भी किए हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी और मीमांसा करना युक्तपूर्ण समझता हूँ। प्रश्नकर्ता दुविधा की स्थिति में है, वो दो पूर्णकालिक कार्य एक होकर कर रहा है। गृहस्थ जीवन का कार्य पूर्णकालिक कार्य है, वो एक महतारी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, एक पिता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जो पूर्णकालिक कार्य है। माँ का कार्य तो पूर्णकालिक है, हर पल है, हर क्षण है। गृहिणी का कार्य तो पूर्णकालिक है, मुझे ध्यान नहीं आता मैंने अपनी माँ को कब फुर्सत में देखा होगा, लेकिन पिताजी को कई बार फुर्सत में बैठे हुए सुपाड़ी काटते आराम से लोगों से बतियाते देखा है, सामान्य चिंतन करते हुए देखा है, लेकिन माँ को आधी रात में भी चौका लीपते हुए देखा है मैंने। तो गृहिणी के जीवन में कभी समय नहीं है, लेकिन गृहिणी होकर भी वो सरकारी दायित्व या और व्यावसायिक दायित्व को पूरा कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व तो महान है जो दो दो वजन एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वजन भी उठाया हो और मालूम न चले, ये समय चमत्कार कर सकता है। सबसे पहले तो आप समय में कार्य करने के मनोदशा से मुक्त हो जाइए। आप समय के साथ काम नहीं कर सकते कभी भी, समय के साथ दौड़ नहीं सकते कभी भी। लोगों को भ्रम है, मैं और सरल कर रहा हूँ आपको, लोगों को भ्रम है कि वो समय पर सब कार्य कर देते हैं। वो कार्य पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, वो प्रमापित हैं, समय उनको मिल जाता है वहां पर। देखिए, समय एक बड़ी गतिशीलता से चलने वाली ट्रेन है, आप तो अपनी गति से चलते रहिए, तो समय के क्रम में आपकी गति अपने आप मिलते रहेगी। यदि आपका ध्यान अपने काम में है, समय में है, तो ना आपका काम भी अच्छे हो पाएगा, न समय का मूल्य भी आप कर पाएंगे। जैसे आप देखते हैं एक विद्यार्थी पेपर कर रहा होता है, बहुत अच्छे से पेपर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है कि एक घंटा गुजर गया, वो एकदम चमकता है, हाँ एक घंटा गुजर गया, और वो अपने आप को अव्यवस्थित करने लगता है, तनाव में आ जाता है।
वो अपने उसी लगन से भी करते रहता तो अपने निर्धारित समय पर काम कर देता, क्योंकि परीक्षा की अवधि प्रमापित रूप से उतनी बनाई गई है जितनी देर में एक विद्यार्थी अपने प्रश्नों को हल कर सके। प्रमापित समय है वो ध्यान रखिएगा, उसका मूल्यांकन 3 घंटे क्यों रखा गया है, ताकि इतने एक प्रश्न को आराम से बनाने में, सहजता से बनाने में इतना समय लगेगा, तो 5 प्रश्न करने में इतना समय लगेगा, इतनी देर वो पढ़ेगा, इतनी देर वो लिखेगा, सब चीजें जांची परखी प्रणाली। लेकिन वो केवल समय के साथ दौड़ने की भावना ले आता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप प्राथमिकता के क्रम के निर्धारण करते समय सबसे पहले अपने मन में उठने वाले संदेशों का अवलोकन करें। मन और समय का संबंध मैंने शुरू में बताया आपको, आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए मन पहले कह देता है, लेकिन वहां पर आप मन की तुलना में, बसरते मन निर्विकार हो, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जैसे सारे सिद्धांतों में एक बात कही जाती शरद जी, अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट, अन्य बातों के समान रहने पर, वैसे अध्यात्म कहता है मन के निर्मल रहने पर मन से लिया गया हर निर्णय बुद्धि से जोड़ता है, तारतम्य उसका बिल्कुल ठीक रहता है, सरगम वहाँ बहुत अच्छा रहता है। तो अब क्या होता है कि आपका मन पहले बता देगा, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि आप दोनों प्रकार के दायित्वों का संपादन कर रहे हैं, बाहर भी और भीतर भी, तो सबसे पहले भीतर के दायित्व को प्राथमिकता दीजिए, अर्थात परिवार के दायित्व को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि परिवार के दायित्व को न करने से संवेदनाओं पर असर पड़ेगा जो आपको अंतर्द्वंद में लाकर खड़ा कर दे। क्या सुंदर सूत्र है, वाह वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया। आपको अंदर फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, आपको परिवार, क्योंकि आपके जीवन का सारा संघर्ष परिवार के लिए है, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता अपने परिवार को दीजिए। आप विनम्रता से वहां पर, कई बार ऐसा भी होता है हमें लगता है कि हम वहां भी दिख जाएं, हम दही भी खा लें, हम मही भी खा लें, नहीं, हम एक निश्चय करें कि अगर अनिवार्यता कहीं पर उपस्थित हो गई है तो हम पहले अपने आंतरिक अनिवार्यता को पूरी करेंगे, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि आपका परिवार प्रसन्न है और आप घर में निकल रहे हैं, तो आप सरकार, व्यापार, व्यवहार सब में परिपक्व बने रहेंगे, बिल्कुल ठीक। और यदि आप परिवार प्रसन्न नहीं है, तो आप भीतर से तृप्त नहीं रहेंगे। तो समय की पूजा, जो समय के भी अच्छे समय के उपासक भी हैं, समय के पुजारी होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप समय के साथ दौड़ने का दावा करने लग जाएं। समय सहजता का होता है, समायोजित आपको अपने अंतर्मन को करना है। सब दूसरी बात यह है, समय के साथ न दौड़ पाने का पश्चाताप न करें, क्योंकि ये आपको ग्लानि में भर देगा और दूसरे दिन आप बोझिल उठेंगे, एक तनाव पहले से रहेगा कल के कामों का। देखिए कल है क्या, किसी ने कहा है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, तो चिंतक ने कहा नहीं नहीं ये तो एक गिनती है, चलते रहती है, जैसे पलों की गिनती होती है, निमिष निमिष करुणा निधि और जा ही कलप समवीत। निमिष निमिष कहते हैं क्षण के 5वें भाग को निमिष कहते हैं। तो अब निमिष का समय जो है, सेकंड से भी कम समय निमिष, जितनी देर में निमि यानी पलक झपकते हैं वो निमिष है। तो जब वो कल्प के समान बीत रहा है, सीता जी का वहां देखिए दृश्य, सीता जी का कल्प के समान बीत रहा है, क्यों, वहां पर समय बहुत धीरे लग रहा है, उनको चलने की गति धीरे लग रही, समय अपनी गति से चल रहा है, समय अपनी गति से चल रहा है। तो कल कुछ नहीं है, कल वो आज है जो बीत जाएगा, आने वाला कल भी कुछ नहीं है, आने वाला कल वो आज है जो आपको कल पर पहुंचाएगा। कल खड़े तो आप आज में है ना, तो आप आज का चिंतन आज खत्म करिए, कल के चिंतन पर कल चिंता करिए। तो आप क्या होता है, उस चिंतन को कब चिंता बना लेते हैं आपको मालूम नहीं होता और आप तनाव में हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले जिस समय में हो पूरी तरीके से उस समय पर विद्यमान रहें। देखिए हमने एक बात कही थी, इंतजारी, बेकरारी, फौजदारी, रिश्तेदारी, ये 4 तत्व हमने आपको बताए थे, ये फौजदारी इनको परेशान कर रही है। फौजदारी का संघर्ष ये है जब कर्तव्यों की दुविधा उत्पन्न हो जाती है और दौड़ना बहुत पड़ता है, तो मैं इनसे कहूँगा दौड़िए मत, आप तो कार्य को इंजॉय करते हुए चलिए। जब मामा जी से मिल रहे हैं तो फिर मामा जी से मिल रहे हैं, फिर छोड़ दीजिए सब चीज़ों को, जाने दीजिए, ये भ्रम तो त्याग ही दीजिए, क्योंकि जो समस्या आपके साथ है वो केवल दुनिया में आपके साथ नहीं है, जिसके यहाँ आप जा रहे हैं उनके साथ भी है। एक बहुत सुंदर सूत्र जो मैं यहाँ तक इस आधे रास्ते में समझ पाया हूँ चर्चा के, कि पहले तो अपने मन को एक निष्पक्ष एम्पायर की तरह कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म उसकी तरफ बहुत जोर देता है, क्योंकि अगर हम किसी काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी प्राथमिकता निर्धारित करते हैं,
और उसे भूल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारी प्रायोरिटी में था नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में अनजाने में आ जाती हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि वो जिस काम को करता है, जैसे एक राजनेता को लोगों से मिलने जुलने से अधिक ज़रूरी कुछ नहीं लगता। प्रदेश के एक नामचीन राजनेता ने एक बार हमसे कहा कि मेरी 3 पुत्रियों के विवाह में मैं क्षत्रिय हूँ, मैं उपस्थित नहीं रहा, मेरी कटार मेरी पत्नी लेकर बैठी, क्योंकि क्षत्रियों में हमारा प्रतिनिधित्व कटार करती है। अब प्राथमिकता क्या पुत्री का विवाह एक राजनेता के लिए नहीं होगा, लेकिन क्रम कई बार ऐसा गड़बड़ाता है, या आप अपने करियर या अपनी प्राथमिकताओं में जनसेवा, अब गांधी जी के लिए जनसेवा ही सबसे महत्वपूर्ण होगी, हरिदास गांधी जी को इसी पर आपत्ति थी, उनके पुत्र को, वो यही कहते थे कि आपने पिता के दायित्व तो नहीं निभाए। तो हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, आप सारी चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं तो भूलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं का क्रम निष्पक्ष एम्पायर की तरह तय करें। आपने बहुत अच्छी बात की है, प्रथम एकता प्राथमिकता। आप एक बात समझिए, प्राथमिकता निर्धारित करने में आपको श्रम करना ही नहीं। यदि आपके मन और बुद्धि के बीच तालमेल है तो प्राथमिकता आपके सामने नित्य करते रहेगी कि ये पहले करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सूत्र है। समय का मन से बहुत सीधा तारतम्य होता है। आप ध्यान रखिए, समय अनुकूल होता है जब आप ध्यान मग्न होते हैं। समय तब अनुकूल होता है जब आप ध्यान मग्न होते हैं। समय तब अनुकूल होता है जब आपकी बुद्धि क्रियाशील होती है। अगर बुद्धि क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय हो गई है, किम कर्तव्य मूल आप बैठे हुए हैं, तो फिर समय अनुकूल नहीं है आपके। समय और उसके बीच में स्थिति गड़बड़ है। क्या बात, तो आप क्यों किम कर्तव्य मूल हो गए? अटक जाते हैं आदमी, घबरा जाते हैं, तब फिर वहाँ पर सारे प्रकार के वो अवरोध के कारण, जैसे चलती हुई ट्रेन को किसी ने रोकने की कोशिश कर दिया हो तो गड़गड़ 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 की आवाज़ें अंदर आने लगती है, वो सारी प्रक्रियाएँ आपके जीवन में होने लगती है। बहुत सुंदर। तो इसलिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्राथमिकता बता रही नेचुरल स्वभावता प्रकृति आपको ऐसा बना कर रखी हुई है कि आप हर काम तारतम्य करते हैं, बसरते एक सूत्र का पालन करें, वो होता है जिस समय जिस क्षण जो काम कर रहे हो। मैं फिर से निवेदन करूं, जिस समय जिस क्षण जो काम कर रहे हो उस काम में पूरे हो जाइए, पूरे हो जाइए, आधे अधूरे नहीं रहिए। हमारी समस्या ये है कि हम कार्य करते समय आधा यहाँ रहते हैं, आधा वहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है। देखिए, घर आके, घर से चलकर आए हैं, बैठे हैं और ध्यान आ रहा है कि टिफिन उठाया होगा कि नहीं, बच्चे ने टेबल में रख के आ गया था, तो आपका ऑफिस हो गया खत्म, आधा आप ऑफिस में। आप पूरे रहने का प्रयत्न करिए ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं समय के साथ चलता हूँ, तो मैं उनको देख कर मुस्कुराता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं कहता हूँ कमाल है, सूर्य भी दावा नहीं कर पाता कि मैं समय के साथ चलता हूँ। जिसकी किरणों के ओज से समय उत्पन्न होता है, अगर समय को हम काल चक्र को कहें तो उसकी गणना करने वाला तो वो तेज ही है ना। तेज ही तो गणना करता है, वो दावा नहीं करता। तो आप दावा करते हैं कि आप समय के साथ चलते हैं, आपको ये भ्रम है, आप उस घड़ी के साथ चलते हैं जो आपके हाथ में बंधी हुई है, और हर काम घड़ी और छड़ी के हिसाब से आप कर रहे हैं। आपका जीवन नीरस है, सूखा हुआ है, आप आनंद नहीं ले पा रहे। क्षमा करें, ये बात थोड़ी गूढ़ और गहरी है, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें। सही बात। समय के प्रत्येक क्षण का सर्वोपयुक्त उपयोग करके क्या आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं और समय आपके साथ है। तो आप घड़ी को आधार बनाइए, बहुत अच्छी बात है, घड़ी में मिनट सेकंड सब सारे काटे दिए हुए हैं, सबको आधार बनाइए। लेकिन मन के अंतर्द्वंद से मुक्त होने के लिए अपनी प्राथमिकता निश्चित करते समय मनदर्शी हो जाइए आप। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में आप क्या कर रहे हैं? आप एक अंग्रेजी का शब्द है फॉर्मलिटी, ऐसे छूते हुए निकल जा रहे हैं लोगों को, अच्छा मैं समय पे मिल लिया, देखिए आ गया, चेहरा दिखा दिया, ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब चीज़ें। और फिर बाद में यदि आप ये कहते हैं, देखिए दावा कि मैंने उस समय ये कर दिया था, देखो ये काम को किया था, वो काम को छोड़ दिया था, तो दोनों काम नहीं किया था, वो काम तुम्हारे चित्त में है और ये काम तुम दर्शा रहे हो, तो तुम्हारा महत्व तो दोनों जगह खत्म हो गया। अगर तुमने किया तो फिर वो छोड़ दीजिए ना, जिसको छोड़ा। ठीक बात। जिस कार्य को नहीं किया सो नहीं किया, किया सो किया। रात में आप केवल आँख बंद करिए, जैसे ही आप आँख बंद करेंगे आपको तमाम वो तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाती। गजब का कंप्यूटर है तन, जिसके अंदर मन रूपी सॉफ्टवेयर आपको रात में इतनी तस्वीरें फटाफट दिखा देगा। बहुत सारे तो इतने तेज प्रभाव डालते हैं कि स्वप्न बनकर आते हैं आपके पास में।
बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर तो बात है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप इस सॉफ्टवेयर को तुरंत डिलीट करिए, साफ कर दीजिए, सोच लीजिए मैं ये कर लूंगा, कल देख लूंगा। अच्छा, गुलाब राय जी ने एक, मैं साहित्यकार हुए हैं, बचपन में उनकी निबंध मैंने पढ़ा था और मुझे उनका नाम अब तक याद है, क्योंकि उस निबंध पर पिताजी ने मुझे उसका विश्लेषण किया था। गुलाब राय जी ने लिखा था हाशिए के कुछ कालम, बड़े साहित्यकार हुए हैं गुलाब राय जी, तो उन्होंने कहा था आप किसी चीज को सुनिश्चित क्यों बोलते हैं, जैसे कागज में लिखते हैं तो कालम छोड़ देते हैं, कुछ कहीं लिखना पड़ गया, कोई पॉइंट लिखना पड़ गया, कोई नोट लिखना पड़ गया, तो आप पूरा सामने से क्यों लिखते हैं, कालम छोड़िए ना, हाशिया का हाशिया छोड़ के चलिए भाई बीच में, तो आप तो अपने जो ये मैं हाँ मैं कर दूंगा, दूंगा मतलब ये मैंने कर लिया, दैट इज ये आप जब कर लेंगे तब आप कहिए, तो आप अपने जीवन में मैं करने का प्रयत्न करूंगा, मैं जरूर आने का प्रयत्न करूंगा, ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपके तनाव वैसे ही आधे हो जाएंगे। कल 5 बजे देख लेना मैं आता हूँ, आपने किसी को घूर कर देख कर कहा, अब वो 5 बजे बैठा हुआ है, सब काम धाम छोड़ के आप पहुँचे हैं 6 बजे, 1 घंटा आप रास्ते में जो गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप अंतर्द्वंद में है ना। बहुत सुंदर सूत्र है ये भी गोस्वामी, तो बहुत सुंदर, आप अपने इन इन, इन इन प्रक्रियाओं को भी देख कर चले, बहुत सुंदर बात है। और मैं फिर गोस्वामी जी की सबसे आरंभिक उक्ति की तरफ, टिप्पणी की तरफ जाऊँगा कि एक निर्मल मन सबसे अच्छा जज होता है, जिसके लिए प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर अपनी अमर कहानी में लिखा है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे क्या। अब ये कितनी सुंदर बात है और कितने सरल शब्दों में कही गई बात है कि आप अपने किसी भौतिक नुकसान की दृष्टि से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। मामा जी याद कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे कई मित्र हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपका क्या उनसे मिलने का मन है वास्तव में? है तो ये मन, निर्मल मन, उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं तय कर रहा, क्यों ऊपर नहीं रख रहा है? क्यों आप एक ऐसी पार्टी में चले जाते हैं जो ऑफिस की पार्टी है और आपकी प्रायोरिटी में वो आ जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपको अपने कार्य में मदद मिले, अपने ऑफिस के काम में मदद मिले। तो ये आपका वो आभासी मन है जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि सफलता महत्वपूर्ण है जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही भागते भागते जब हम 60-70 होने लगते हैं और धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब विदाई के साथ ऑफिस से जाने का समय हो जाता है, तो हमें याद आता है कि इनमें से बहुत सी आँखें कटाक्ष के साथ भी देख रही हैं, कुछ प्रतिशोध के साथ भी देख रही हैं कि साहब गए आज, बड़ा प्रताड़ित किया साहब इन्होंने, इस तरह के भाव भी दिखने लगते हैं। और जब घर पहुंचते हैं और उन मित्रों को फ़ोन लगाते हैं या उन रिश्तेदारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या समय मिल गया अब आपको। तो हमें अपने निर्मल मन से, मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें, ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ये समझना होगा कि मेरा निर्मल मन किस प्रायोरिटी को तय कर रहा है। और निर्मल मन कभी अन्याय नहीं करेगा, वो अपने आप एक नेचुरल आपके लिए रैंडम सैम्पलिंग करके आपको प्रस्तुत कर देगा कि शरद जी, मामा जी भी बहुत ज़रूरी है, आपके ऑफिस के काम चलते रहेंगे, आपको मित्र को विश करना बहुत ज़रूरी है और उनसे क्षमा मांगिए। और कितनी सुंदर बात है कि मैं प्रयास करूँगा। गोस्वामी, एक बहुत अच्छी बात आपको सुनते सुनते मेरे दिमाग में आई, शरद जी आप बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, समय साक्षी है, आप समझिए समय साक्षी है, लेकिन जैसे विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही चलते समय उन सारी प्रक्रियाओं को वो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि इसको कार्यवाही से जो है विलोपित किया जाता है, तो समय वहाँ साक्ष्य नहीं देता, जहाँ आप मन के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे होते हैं, निर्मल मन के अनुसार आप केवल व्यवहार निभाने के लिए यदि कोई कार्य कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग के अभाव में काम कर रहे हैं, तो समय वहाँ साक्षी नहीं होता। समय अपनी किताब में आपके उन हर प्रयत्नों को लिखता है जो आपने पूर्ण मनोयोग से किया है, और वहाँ पर आप भी आनंदित थे, संबंधित भी आनंदित था, आपने कर्तव्यों के निष्पादन में, जब देखिए समय का सबसे सदुपयोग क्या है मालूम आप, लेकिन इसको थोड़ा सावधान होकर समझिए, समय का सबसे बड़ा सदुपयोग ये है जब आप अपने काम करते रहें और सब काम हो जाए और आपको मालूम ही न चले कि समय गुजर गया है।
ये श्रेष्ठतम सदुपयोग है। लेकिन तब आप सोच नहीं रहे होते, मनोयोग समझिए, कि समय निकल रहा है, क्योंकि आप उसको उतनी ही देर में पूर्ण मनोयोग का काम है। लेकिन आपने जो काम ऊपरी तौर पर किया, एक फॉर्मेलिटी के रूप में किया, फिर समय वहाँ अपने साक्ष्य की किताब में आपका नाम नहीं लिखता, फिर वो कह देता है कि नहीं ये तो फर्जी काम था, क्योंकि आप थे ही नहीं वहाँ पर, आधे थे आधे नहीं थे। तो आप समय का सम्मान करना चाहते हैं तो समय और चिंता का कोई तारतम्य नहीं है। बिल्कुल, आप चिंता से मुक्त हो जाइए, चिंतन करिए, आनंदित रहिए। भूतकाले भूतस्या वर्तमाने वर्तते, भविष्यकाले भविष्यन्ति किं चिन्ताम करिष्यति। आप समय का सम्मान करिए, समय को अपनी पीठ पर लाद कर भी मत चलिए कि ये नहीं कर पाया। इसका बोध भी आपको नकारात्मकता से, खिन्न भाव से, ग्लानी से भरता है। जो बीत गई सो बात गई, आज नहीं बात कर पाए, आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, कल भी नहीं जा पाए परसों जाएंगे, जाएंगे अवश्य, वो टाइम टेबल में प्रायोरिटाइज है वो। लेकिन अगर उसकी ग्लानी हावी हो गई कि मैं ये नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि ये एक विकृति को जन्म देगा, और ये विकृति शारीरिक और मानसिक कई चुनौतियों का कारण बन सकती है। तो समय रूपी इस वेताल को अपनी पीठ पर मत लादिए, ये बड़ा निरपेक्ष है, साक्षी भाव रखने वाला है। और जो भी हम साक्षी भाव से इस समय में करते हैं, यानी पूरे तन मन धन से करते हैं, समय उसी को रिकॉर्ड करता है, बाकी सब विलोपित, डिलीट। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत आनंद आया इस चर्चा में, और अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रणाम।